हाँ तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 विषय गणित और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर 1 फर्स्ट लेसन है, और जिसमें आज हम बच्चों जोड़ और घटाना जिसको कहते हैं योग और व्यवकलन के गुण धर्मों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसमें कौन कौन से गुण होते हैं और कौन से नियम पर लागू होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम इसमें गुणांकों का योग और व्यवकलन के गुण, ठीक है ना। तो एक विषय हमारा गणित है, विषय है गणित, बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक है कि योग और व्यवकलन के गुणधर्म। तो आप जानते हैं कि गुणांक है, कि चैप्टर का नाम हमारा क्या है गुणांक, तो गुणांक तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गुणांक क्या होते हैं, ठीक है ना। और गुणांक में सारे जो समस्त संख्याएं हैं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो और चाहे वो शून्य हो, वो सारी संख्याएं गुणांकों के अंतर्गत गिनी जाती है। अब क्योंकि गुणांकों का आप योग भी करेंगे, गुणांकों को आप जोड़ेंगे भी, उनको आप घटाएंगे भी, गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे। तो क्योंकि गणित है तो गणित में ये चार संख्याएं चलती हैं, ठीक है ना। गणित में ये चार संख्याएं होती है, कौन कौन से जानते हैं ना, तो चार संख्याएं कौन सी है, चार गणितीय संख्याएं। चार गणितीय संख्याएं हैं, चार गणितीय संख्याएं कौन कौन सी है, योग मतलब जोड़ना, योग मीन्स जोड़ना, फिर व्यवकलन में क्या करते हैं आप माइनस करते हैं, और ठीक है ये गुणा हो गया और ये चार गणित की संख्याएं चारों संख्याओं पर ही पूरी गणित आधारित, और इन्हीं के द्वारा ही हम गणित जो भी गणना है इन्हीं चारों संख्याओं के सहारे योग के गुण धर्म है। तो सबसे पहला जो इसका गुण धर्म है वो है क्या होता है, योग समृद्ध होता है। तो इसमें तो समृद्ध का मतलब क्या,
जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि जब आप दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं, जब भी आप दो पूर्णांकों को चाहे जोड़े और चाहे घटाए, दो पूर्णांकों का चाहे आप योग करें और चाहे व्यवकलन करें, दो में से कुछ भी करेंगे तो जो आपको उत्तर प्राप्त होगा या जो उनसे परिणाम प्राप्त होगा, दो परिणाम क्या होगा, वो परिणाम जो है वो भी एक पूर्णांक ही मिलेगा, ठीक है ना। वो क्या मिलेगा, वो एक पूर्णांक मिलेगा। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक आपके लिए है देखना 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेंगे आप अनंत तक चले जाएंगे, और इधर है -1, -2, -3 और ये भी कहां तक बच्चों, ये भी अनंत तक जाता है। तो ये आपके पूर्णांक, मतलब पूर्णांक में क्या है, सारे अंक आ जाएंगे, ठीक है ना। क्या है ये आपके पूर्णांक है, मतलब ये है कि इसमें सभी धनात्मक संख्या है, सभी ऋणात्मक संख्या है और शून्य, ठीक है ना, सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या है और शून्य जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं, मतलब इसमें सारी संख्याएं जो है सम्मिलित है पूर्णांकों के अंतर्गत। तो हम क्या करते हैं, समृद्ध गुणधर्म क्या, योग का समृद्ध नियम क्या है, तो योग का समृद्ध नियम ये है कि जब भी आप दो संख्याओं को जोड़ेंगे, मैंने जोड़ा, देखिए कैसे आपने लिखा 5 और 6, क्या लिखा 5 6 है, तो उत्तर आपको क्या मिला, उत्तर आपको मिल गया क्या, क्या मिल गया, उत्तर मिल गया आपको 11। तो 11 क्या है, ये 5 भी पूर्णांक है, ये 5 भी पूर्णांक है, ये 6 भी आपका पूर्णांक है, और ये जो आंसर इनको जोड़ने के बाद जो मिला है 11, ये जो 11 अंक आपको प्राप्त हुआ है, ये 11 भी पूर्णांक के अंतर्गत ही, मतलब ये भी पूर्णांक का मतलब मेरा ये है कि जब आप दो पूर्णांकों को योग करते हैं या दो पूर्णांकों का जब आप योग करते हैं तो जो उत्तर मिलता है आपको वो क्या मिलता है, वो भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, वो भी एक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो ये जो 11 है ये क्या है, 11 भी पूर्णांक क्या है, एक पूर्णांक है। ये 11 क्या है बच्चों, ये 11 एक पूर्णांक, ठीक है ना। ऐसे ही आप घटाने में करते हैं, मान लीजिए आपने किया 10 - 6, ठीक है, आपने किया 10 - 6, तो 10 - 6 का मतलब क्या हुआ, आप 10 में से 6 घटा रहे हो, 10 में से 6 घटा रहे हो, 4 तो आंसर मिल गया 4, आंसर मिल गया 4। तो चूंकि 10 भी पूर्णांक है, यस सर, 6 भी पूर्णांक है, और जो आपका परिणाम प्राप्त हुआ है घटाने के बाद या व्यवकलन के पश्चात जो आपको पूर्णांक मिला है वो, या जो नंबर मिला है वो नंबर भी आपका पूर्णांक ही प्राप्त होगा। कहने का अर्थ यह है कि जब भी आप दो संख्याओं को चाहे जोड़े चाहे घटाए, दो संख्याओं को चाहे आप उनको जोड़े या उनको आप घटाए, दोनों स्थिति में आपको जो परिणाम या जो उत्तर मिलेगा वो उत्तर भी पूर्णांक के रूप में ही आपको प्राप्त होगा। तो इसको हम योग का समृद्ध नियम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये हमारा योग का कौन सा, ये योग का समृद्ध नियम, कि दो पूर्णांकों का योग सदैव एक पूर्णांक ही होता है, ठीक है ना। दो पूर्णांकों का योग क्या होता है, ये सदैव एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो ये योग के अंतर्गत समृद्ध नियम है, वो ये है दो पूर्णांकों का yes, sir. दो पूर्णांकों का योग, दो पूर्णांकों का योग क्या होता है, एक पूर्णांक भी होता है, एक पूर्णांक भी का योग एक पूर्णांक ही होता है। तो ये आपका yes, योग के अंतर्गत, ठीक है ना, ये आपका इसके, ये आपका योग के अंतर्गत समृद्ध नियम कहलाता है। ऐसे ही आप किसमें, व्यवकलन में भी कर सकते हैं, आपका
व्यवलन में भी कर सकते हैं, और उसके लिए जो स्टेटमेंट बनेगा, जो प्रकथन बनेगा, वो कथन ये बनेगा कि दो गुणांकों का व्यवकलन, दो गुणांकों का व्यवकलन एक गुणांक प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ये तो बच्चों कौन सा नियम हो गया, ये तो समरस योग के अंतर्गत, योग के या व्यवकलन के अंतर्गत ये कौन सा, ये आपका समरस नियम, योग या व्यवकलन के अंतर्गत ये समरस नियम है। अब इसके बाद में आपको बता दूं क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना, कौन सा क्रम विनिमय नियम क्या हो, तो क्रम विनिमय नियम ये है कि जब भी आप दो संख्याओं में, ठीक है ना, चूंकि ये योग पर भी, ये योग के अंतर्गत तो पहले आपको बता रहा हूं, मैं पहले आपको योग के अंतर्गत बता रहा हूं कि जब भी आप दो गुणांकों को जोड़ रहे हो या उनका योग आप कर रहे हो, तो उस स्थिति में ये जो क्रम विनिमय नियम है ये नियम लागू होता है। क्रम विनिमय नियम होता क्या है, देखिए पीछे तो बच्चों, हाँ ये क्रम विनिमय नियम क्या दूसरा नियम इसका है, दूसरा है क्रम विनिमय, क्या है दूसरा नियम कौन सा है, क्रम विनिमय, दूसरा है क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। दूसरा नियम अपना कौन सा है, तो दूसरे नियम को हम कहते हैं क्रम विनिमय, तो देखिए क्रम विनिमय के अंतर्गत क्या होता है, क्रम विनिमय के अंतर्गत क्या होता है कि मतलब इसमें ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, नंबर्स के या पूर्णांकों के जो क्रम है उस क्रम को बदल देने पर भी संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना, संख्याओं के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि दीजिए क्या है, जैसे आपने लिखा 5 + 6, ठीक है, तो क्या हुआ 5 + 6 आंसर आपको मिला 11, क्या मिल गया आपको, जो आंसर मिला है वो 11 मिला। तो ये इस ऑर्डर में है, यदि इसको मैं ऐसे लिखूं कैसे 6 + 5, यदि मैंने इसको लिख दिया 6 + 5, तो इसका मतलब ये है कि चाहे आप 5 + 6 लिखें, चाहे आप क्या लिखें 5 + 6, तब भी आपको जो आंसर प्राप्त हो रहा है वो क्या, वो 11 का 11 प्राप्त हो रहा है। यदि आपने 6 + 5 लिखा तब भी आपको उत्तर क्या मिलेगा, उस दशा में भी आपको जो उत्तर प्राप्त होगा वो भी आपको 11 होगा। तो मतलब ये इसका ये है कि चाहे आप a + b लिखिए और चाहे आप b + a दोनों सेम है, दोनों सेम है, इसके योग के अंतर्गत, इसके अंतर्गत ये योग के अंतर्गत, माइनस में ऐसा नहीं, माइनस में ऐसा नहीं है, या क्रम विनिमय नियम लागू नहीं है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए आपने लिखा a + b, क्या लिखा a + b, और चाहे उसको लिखे, मान लीजिए यहां पर आपने लिखा 25 + 7 कितना आ गया 32, कितना आ गया 32, और चाहे आप लिखे 7 + 25, चाहे आप लिखे 7 + 25, मतलब दोनों स्थितियां सेम बच्चे, यस सर, दोनों स्थितियां सेम। आप इसमें ये नहीं है कि कैसे सर यहाँ 25 + 7, यहाँ पर 25 + 7 का उभरेगा 7 + 25 दोनों बराबर है, तो हाँ ये योग के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम है। इसके तहत आप संख्याओं को आगे पीछे करके बेटा, हाँ सुने, यस सर, हाँ ये अपना तुम्हारा ये वीडियो क्यों बंद है, वीडियो चालू करो, यस सर, हाँ याद आ गया, ओके अब
अभी एक और पुस्तक जुड़ा था। हाँ तो बच्चों ठीक है ना, ये क्या है, ये आपका क्रम नियम है, ठीक है ना। ये कौन सा नियम है, ये आपका क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत माना जाएगा। योग आप जो है दो संख्याओं का जब भी आप योग करेंगे तो क्या होगा, योग में आप संख्याओं को आगे पीछे कर सकते हैं, चाहे 10+5 लिखे या 5+10, दोनों दशा में आपको समान परिणाम प्राप्त होगा या एक ही उत्तर आपको प्राप्त होने वाला है, इसमें उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ठीक है ना, इस तरह से ये तो योग में लागू हो रहा है। अब इसके बाद एक सहचर्य नियम, कौन सा नियम है, सहचर्य नियम, ठीक है ना। तो ये आपका समझ गए ना कैसे है, आप चाहे इसको 3 घन 2 लिखिए, चाहे आप 3 घन 2 लिखिए, और चाहे 2 घन 3, चाहे आप 2 घन 3 लिखिए या 2 घन 3, ये दोनों बराबर, 3 घन 2 = 5 और 2 घन 3 = 5, मतलब दोनों जगह क्या है सेम उत्तर आपको 5 ही मिलेगा, इसका योग भी 5 है और इसका योग भी 5, मतलब ये दोनों समान परिणाम। यस सर, आपको ये समान परिणाम प्राप्त हो रहे, ये आपका नियम के अंतर्गत माना जाएगा। इसके बाद में आपको पता सहचर्य नियम क्या होता है, देख लीजिए, सहचर्य नियम जो है अब है इसी का योग के गुणधर्म है, तीसरे नंबर में है, इसका जो तीसरा नियम है वो है बच्चों सहचर्य नियम, ठीक है। सहचर्य नियम के अंतर्गत क्या करना है, इसमें बच्चों ये होता है सहचर्य के अंतर्गत ये है कि आप चाहे ए ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, आपने देखा सहचर्य नियम कहता क्या, मैंने यहां ए बाहर लिखा, कहां लिखा है, ब्रैकेट के बाहर, मैंने ए को कोष्ठक के बाहर रखा है, और फिर कोष्ठक में क्या लिखा है, बी प्लस सी, कौन सा लिखा है, बी प्लस सी, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप चाहे तो आप कोष्ठक में, मतलब ये सहचर्य का प्राप्त मतलब यह है कि कोई भी संख्या साथ में हो सकती है, जरूरी नहीं है कि बी और सी ही ब्रैकेट में हो, ये जरूरी नहीं है, बी और सी यदि योग है इसमें ये योग पे ही लागू होगा, सारे में सब में नहीं लागू होता है, ठीक है ना। तो ये योग लागू होगा कि यदि कोष्ठक में 2 संख्याएं हैं और उनका सबका आपस में 3 संख्याओं का योग हो रहा है, तो इसमें आप चाहे तो ए प्लस बी प्लस सी को कैसे लिख सकते हैं, जैसे आप इसको लिख देंगे ए प्लस बी और ये प्लस सी, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये है जैसे यहाँ पर ए बाहर, तो मैंने अब क्या किया, जोड़ा यहाँ पर पड़ा था किसका, बी और सी का, बी और सी का जोड़ा था, दोनों ब्रैकेट में थे, बी और सी ब्रैकेट में थे, अब मैंने क्या किया, जोड़ा बना दिया किसका, बी और ए का, ये यहाँ बी और ए का जोड़ा बना दिया, सी को बाहर कर, सी को बाहर कर दिया, बाहर कर दिया, यस सर, इसके उत्तर में कोई अंतर नहीं आया, आपको समान परिणाम मिला, ठीक है ना। कैसे, देखिए जैसे मैंने लिखा, यहां पर लिख रहा हूं 5 घन कोष्टक में 2 घन 3, ठीक है ना, लिखा 5 कोष्टक में 2 घन 3, ठीक है। अब मुझे इसको अगर सॉल्व करना है तो अच्छा पहले इधर भी देगा, इधर में किसी को, तो ये ए का मान है, ये बी का मान है और ये सी का मान, अब इस बार कोष्टक में किसको करना है, ए और बी को, तो ए और बी का मान क्या है 5, तो यानी कि 5+2 और बाहर कर दिए मैंने 3, सी के मान को, सी की वैल्यू को मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। yes, दोनों दशा में सेम उत्तर आपको मिलेंगे, देखिएगा
क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन को सबसे पहले खत्म किया जाता है। आप करेंगे पांच धन तीन और दो जोड़ रहे क्योंकि तीन दो पांच, ठीक है ना। अब ये पांच पांच हो गया, क्या हो गया, ये हो गया दस, क्या हो गया, ये हो गया आपका दस, लेकिन हो गया इसका मतलब मिल गया। यस सर, घर भी तेरा रहा है, देखिएगा पांच और दो सात, और सात और तीन, यस सर, सात तीन दस, मतलब दोनों जगह आपको एक ही उत्तर प्राप्त हुआ। यस सर, दोनों जगह दिखाई दे रहा है। यस सर, सर अच्छे से दिखा रहे पर समझ यहाँ सर ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है। यस सर, दिखता है चौक, दिखती है कि नहीं सर, ऊपर वाली दिख रही चौक पर सर नीचे थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी दिख रही ज्यादा। यस सर, ओके चलो, तो मैं सफेद चाक का उपयोग करूंगा, तो ठीक है ना। इसमें ये है, यस सर, आपको बता दूं फिर से इसमें कि ये सहचर के लिए क्या होता है, देख लीजिए, जैसे आपने लिखा सहचर नियम ये है क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है किसके, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है किसके, आप चाहे तो ए को बाहर कर दें, ए ठीक है ना प्लस बी प्लस, ये है कि आप जैसे इसमें ए और बी का जोड़ा बना है, सी बाहर है, इसमें ए बाहर है और बी सी का जोड़ा बना है, इस तरह से यदि आप कोई संख्या है जैसे कुछ सवाल मिलते हैं और पूछा जाए कि क्या दोनों बराबर है, तो आप कहेंगे कि हाँ, आप कहोगे कि हाँ ये दोनों बराबर है। देख लीजिए जैसे लिखा है आठ, ए का मान आठ है, बी का मान सात है और सी का मान पांच, ठीक है, आठ सात पांच तीनों के मान। अगर इसको मैं उस क्रम में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ए को बाहर कर लूंगा, मैंने आठ बाहर कर दिया प्लस बी का मान सेवन और सी का मान फाइव, ठीक है ना, ये हो गया। अब दोनों को यदि हल करके देखूंगा तो मुझे उतना समान मिलना चाहिए, आठ सात पंद्रह कितना हो गया पंद्रह, और पंद्रह और पांच ये मिला के हो गया बीस, क्या हो गया, ये हो गया बीस। इधर देखिए, इधर आपका ये आठ है और प्लस सात और तीन कितना हुआ पांच, सात कितना हो गया बारह, ठीक है ना, तो बारह आठ मिला के कितना हो गया, ये भी हो गया आपका बीस, मतलब दोनों जगह से आपको 20 ही प्राप्त होगा, ठीक है ना, दोनों जगह से आपको क्या मिल रहा है, दोनों जगह से जो आपको उत्तर मिल रहा है वो उत्तर क्या मिल रहा है, एक समान आपको 20 ही मिल रहा है। मतलब ये है कि ये आप इस जो योग है, जो किसका सहचर्य का पालन करते हैं, किसका पालन करते हैं, सहचर्य। अब इसके बाद एक होता है योग का तत्समक नियम, ठीक है ना, कौन सा नियम, योग के लिए कौन सा नियम होता है, तत्समक नियम होता है। तो तत्समक नियम क्या हो जाएगा, यदि किसी भी, ठीक है ना, योज्य तत्समक कहते हैं इसको, अगला ये है योज्य तत्समक, तो योज्य तत्समक क्या है ये बताओ, जैसे पांच में जीरो जोड़ोगे तो उत्तर क्या मिलेगा, हेलो हेलो, यस सर, जैसे पांच में आपने शून्य जोड़ा तो क्या उत्तर आएगा, पांच सर, पांच है ना, यस सर, अच्छा पांच में शून्य घटाया तब क्या आएगा सर, पांच में शून्य घटाएंगे पांच में से जीरो घटाते हैं पांच आएगा, पांच ही आएगा ना, यस सर, हाँ ठीक है, तो यही तत्समक, तत्सम का मतलब होता है उसी के समान, तत्सम का मतलब बच्चों होता है क्या होता है, तत्समक का मतलब यही होता है कि बिल्कुल वही या उसी जैसा या सेम वही, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है योज्य का तत्समक ये नियम है, योज्य का कौन सा तत्समक नियम है, ये क्या कहता है, ये जो नियम है बच्चों योज्य का तत्समक नियम, तो इस नियम के अंतर्गत ये है कि जब भी किसी भी संख्या में कोई भी संख्या हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे वो प्लस की हो और चाहे वो माइनस की हो, माइनस की,
अगर कैसी भी संख्या हो और किसी भी संख्या में आप शून्य को यदि जोड़ते हैं तो उसके जो उत्तर प्राप्त होगा है तो उसमें वही संख्या आपको उत्तर में मिलेगी। ठीक है, जैसे आपने लिखा है ये मुझे ये लिखा है 5 धन 0, उत्तर क्या मिल गया आपको 5, उत्तर क्या मिल गया 5। ठीक है, आपने लिखा यहाँ पर मान लीजिए 20 प्लस 0 उत्तर, सॉरी 20 प्लस 0 उत्तर क्या मिलेगा, 20 में 0 जोड़ोगे क्या सर, 20, ये सर, सर 20, 20 क्या मिलेगा 20, 20 में यदि आप 0 जोड़ते हैं तो उत्तर आपको क्या मिलेगा, उत्तर आपको 20 ही मिलेगा, है ना। यस सर, आप जो है किसी भी संख्या में यदि 0 जोड़ रहे हैं तो या घटा रहे हैं दोनों को, चाहे आप किसी भी संख्या में 0 जोड़े या 0 को घटाएं, आंसर यस सर 20 में आपने 0 जोड़ा उत्तर 20, तब सब मतलब वही अंक उत्तर मिल जाएगा जिस अंक में आप 0 जोड़ रहे हैं ना, जिस अंक में 0 गुणा में ऐसा नहीं होगा, गुणा में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, ये गुणा और भाग के लिए नहीं है, ये केवल किसके लिए है, जोड़ और घटाना, मतलब योग और घटाव के लिए, यस सर, योग और इसके लिए है, ये योग और व्यवकलन, ठीक है, ये योग और व्यवकलन में काम करेगा, जब भी आप किसी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं या शून्य को घटाते हैं तो आपको जो उत्तर प्राप्त होगा तो उत्तर में वही संख्या आपको आंसर में मिल जाएगी। ठीक है, यस सर, चलो ठीक है, तो ये आपका दसवां नियम है। आप कहते हैं देखिए, जैसे आपने इधर देख लीजिए दिखाई देगा मेरे सामने, जैसे आपने लिखा 45 minus 0, 99 minus 0, 100 plus 0, 37 plus 0, 40 minus 0, तो उत्तर क्या मिलेगा बताइए, दिख रहा है, दिखता है सुमित, यस सर, हाँ, तो क्या मिलेगा 45 में से 0 घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा सर, 45 क्या आएगा, 45 सर, 45 यस सर, हाँ, इसी तरह से 99 में से 0 घटाओगे तब क्या आएगा 99 सर, 99 यस सर, हाँ, ऐसे ही मतलब आप इसमें से करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आंसर आपको वही संख्या मिल जाएगी, मतलब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 45, यहाँ पर मिल जाएगा 99, यहाँ पर मिल जाएगा 101, यहाँ 101, 200, यहाँ पर 37, यहाँ पर, ये योग का तत्समक नियम 40, ये क्या है, ये योग का तत्समक नियम है, जब आप तत्समक यस सर कोई भी संख्या हो चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस, माइनस देखिए यहाँ पर लिखा -5 और +0 उत्तर क्या मिलेगा -5, क्या मिलेगा -5, मतलब ये है कि आप किसी भी संख्या में यदि शून्य को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, चाहे आप उसको जोड़ रहे हो और चाहे आप उसको घटा रहे हो तो उत्तर आपको वही संख्या मिल जाएगी, ठीक है ना, यस सर, हाँ, तो ये आपका योग के लिए तत्समक नियम है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जिनको आपको करना होगा, करेंगे ऐसे, आप जानते हैं कि दो माइनस की संख्याएं क्या होती है, जुड़ती है ना, मान लो -5 और -3 उत्तर क्या आएगा, -5 -3 क्या आएगा बेटा, माइनस का 5 है minus और माइनस का 3 है, दोनों को जोड़ना है उत्तर क्या आएगा सर, -8 क्या आएगा, -8, दो संख्याएं माइनस की है तो आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, क्या होती है, यस सर, जुड़ जाती है, ठीक है ना, अगर दोनों संख्याएं हैं और माइनस की है तो दोनों संख्याएं क्या होती है, दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाती है, और दोनों संख्याएं प्लस की है जैसे 5 और 3 दोनों प्लस की है तब भी जुड़ जाती है,
तब भी yes, sir. क्या होती है, जुड़ जाती है। हाँ, जुड़ और घटती कब है, जब एक प्लस हो और एक माइनस, जब एक प्लस हो और yes, एक माइनस हो तब दोनों संख्याएं, दोनों ऋण है तो भी समान चिन्ह कहेंगे। यदि चिन्ह कैसे है, समान है, दोनों संख्याओं में यदि समान चिन्ह है तो वो दोनों आपस में जुड़ जाती है। Yes, sir. चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस, और अगर चिन्ह असमान है तो फिर वो संख्याएं क्या होंगी, अगर असमान है तो वो नहीं जुड़ेगी, ठीक है ना। Yes, sir. क्या होती है, वो हट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हटा दी जाती है, ठीक है। तो ठीक बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। आज ऐसा है yes, sir. सुमित yes, sir. ये है एक, मैंने इस पे व्हाट्सएप में देखे हो, मैंने एक मैसेज डाला है yes, sir. काहे के लिए yes, sir. 10 बजे yes, sir. मैंने व्हाट्सएप में से मीटिंग मैसेज दिया है मीटिंग के लिए, पढ़े होगे कि नहीं पढ़े yes, होगे sir. Yes, sir. मैंने मीटिंग ये है, उसमें मैंने लिख के भेजा है, उसका टाइम 10 बजे से मैंने उसमें टाइम दिया है। तो yes, वो sir. मीटिंग ये है कि उसमें जैसे पापा रहते हैं घर में, सर पापा ड्यूटी गए सर, अभी ड्यूटी गए हैं यस सर। अच्छा, तो चूंकि मीटिंग का हमारा यही एक वो था कि ये चाह रहे थे कि जैसे अभिभावक और प्रिंसिपल साहब अपने जो मिश्रा सर हैं या विनोद पांडे सर हैं, ये बैठ करके थोड़ा सा उनसे भी चर्चा करेंगे 10 बजे, ठीक है। कब से, यस सर, कितने टाइम से, 10 बजे से, और कुछ नहीं है, केवल अगर जो और तुम्हारे दोस्त हो, कोई दोस्त है जो साथ में पढ़ते हैं तुम्हारे, सर मेरे भैया है, दोस्त क्या होंगे वहाँ जो है, या वहाँ हो या कहीं भी हो, अगर उनका मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास तो उनको, मैंने तो हालांकि मैसेज व्हाट्सएप में डाला है, मैंने व्हाट्सएप में मैसेज डाला है, लेकिन अगर नंबर है आपके पास तो उनको आप सूचित कर देंगे कि 10 बजे से मीटिंग, मतलब ऐसे किसी मैंने मोबाइल के माध्यम से मीटिंग है ना, तो बैठ करके थोड़ा सा शायद कुछ आपसे पढ़ाई के विषय में कुछ जानकारी ले या दे, है ना। तो आपको जुड़ करके और मीटिंग को अटेंड करना है, पापा हो तो पापा, या घर में और भैया है, बड़ा भाई है, यस सर, हाँ तो भाई को भी बैठा सकते हो, पापा नहीं तो भाई बैठ सकता है थोड़ा सा, है ना, यस सर, ठीक है, चलो थैंक यू, धन्यवाद।